व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अखबार के साथ जाली बनाने का तरीका घर पर घर की मशीन पर जाली बनाने का तरीक़ा ये मेरे पास दो पीस हैं जो एक साइज़ के मैं पीस यहाँ पर लूँगी और ये एक अखबार का पीस और ये जो है मेरे पास नल की जो रेड कलर की हैं दो एक जैसी ये हमारी फिरकी जिसके ऊपर हम हमारा धागा होगा ये एक नलकी का धागा जो हम अपनी फिरकी पर नहीं कर लेंगे ये दो धागे इस तरह से जोड़ते हुए इस तरह से इसके किनारे को बराबर करते हुए हम अपनी फिरकी के ऊपर इस तरह से भर लेंगे अपने धागे को ये देखें जी मैंने अपना धागा भर लिया अपनी फिरकी के ऊपर अब हम इसको कटिंग कर लेंगे और अब ये दोनों नलकियों का धागा हम सुई के अंदर डालेंगे किस तरह से ये मैं आपको बताती हूँ ये अखबार और हम अपने फैब्रिक को साइड करते हैं ये देखें जी ये इस तरह से दोनों किनारों को हम बराबर से मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और सुई के अंदर अपना धागा डालेंगे इसी तरह से ये धागा हम अपनी सुई में डाल लेंगे ये देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया ये दो नलकी जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हमारी फिरकी पर भी दो नलकी का धागा है ऊपर की तरफ भी हमारी दो ही नलकियाँ हैं ये मेरा फैब्रिक और ये हमारा अखबार का पीस जिसके साथ हम जाली बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करेंगे इस तरह से अखबार को फोल्ड करते हुए देखिए इसकी मोटी तय बना लेंगे जितनी हमको जाली बनानी हो उस साइज़ की हमें मोटी अखबार की तय लगानी होगी ये मेरे हिसाब से इतनी जाली सही रहेगी ठीक बनेगी ये हमारे फैब्रिक और जो अखबार का पीस है दोनों एक जैसे ही हैं अब इसको किस तरह से इसके साथ अटैच करेंगे ये देखिए इस तरह से हम अपने फैब्रिक को नीचे की तरफ रखेंगे और फिर अखबार का जो फोल्ड किया हुआ पीस और दूसरा फैब्रिक जो वो भी ऊपर रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे बड़ी एहतियात से हमारी सिलाई जो का जो बखिया है वो हम बड़ा कर लेंगे यहाँ पर आप बड़े एहतियात से सिलाई लगाएंगे अगर सिलाई कहीं से कम या ज़्यादा हुई तो उसी हिसाब से हमारी जाली जो है कम या ज़्यादा बनेगी एक जैसी इसकी खुली नहीं होगी जाली ये देखें इस तरह से बड़ी एहतियात के साथ आप सिलाई लगाते जाएंगे ये देखिए बिल्कुल स्लो आप इस पर सिलाई लगाएंगे कोई जल्दी नहीं करेंगे आपकी जाली फिर कोई भी बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी ये देखिए तकरीबन हमारी सिलाई कंप्लीट होने वाली है ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है अब मैं धागे को कटिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है अब ये अखबार निकालने का क्या तरीका है ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये देखिए जो अखबार हमारी किनारी से हम कैंची के साथ हल्का सा टक लगा लेंगे अगर आसानी के साथ इस तरह से ये रिमूव होती है तो ठीक है वरना हल्का सा टक लगाते हुए इस तरह से हम इसे अलग कर लेंगे ये बहुत आसानी के साथ इस तरह से अलग हो जाती है देखिए अखबार का जो एक पीस है वो अलग हो चुका है अब दूसरा पीस तो इससे भी ज़्यादा आसानी से अलग हो जाएगा ये देखें इस तरह से अब जो हमने जाली बनाई है मैं इसके फैब्रिक को आयरन कर लूँगी जो भी इजाफी धागे वगैरह हैं उनको हम कटिंग कर लेंगे ये देखिए मैंने इसको आयरन कर लिया ये हमारी जाली बनकर तैयार हो चुकी है माशाल्लाह ये कितनी ख़ूबसूरत लग रही है अगर आप चाहें तो किनारी पर इसके दोनों साइडों पर इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं अगर ना सिलाई लगाना चाहें तो ऐसी कोई बात नहीं अगर आप यहाँ पर बुकरम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इस पर सिलाई ना भी लगाएं तो चलेगा अगर आप बुकरम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर इसके ऊपर किनारे पर सिलाई लगाएं फिर हमारी जाली एक जैसी बैठ जाएगी ये देखिए मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ हमारी जो ये हमने जाली बनाई है ये हमारी स्टार्ट से मशीन जो बिल्कुल स्लो चल रही थी इस वजह से करीब करीब से हमारी जाली बनी है आप देख सकते हैं ये जाली बनकर कितने अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें अगर बेल आइकॉन को आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती